नमस्कार, आपण देखुछन्ती मध्यान ओडिशा। भारतीय अर्थनीतिर दुस्थितिकु नै बर्षिले पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। देशर अर्थनीतिर स्थिति अत्यंत चिंताजनक। गत त्रयमासिकरे अभिवृद्धि हार मात्र 5% रहिछि। एहा अर्थनीतिर दुर्बल चित्रकु दर्शाउथिबा मनमोहन कहिछन्ती। एक द्रुत अर्थनैतिक अभिवृद्धि संपन्न राष्ट्र भाबे भारतर सामर्थ्य रहिछि, मात्र मोदी सरकार अमलरे एहा संभव होइ पारि नाही। मनमोहन आहुरी भी कहिछन्ती, संप्रति उत्पादन क्षेत्र में अभिवृद्धि हार रही मात्र 0.6%। स्पष्ट मनुष्यकृत विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यकारी होगा भारतर अर्थनीति सुधुरी पारिना। सेपर देशर आभ्यंतरीण चाहिदा भी चिंताजनक रही। आभ्यंतरीण और खाउटी चाहिदार अभिवृद्धि हार 18 मास मध्य सबुठ कम रही। साधारण जीडीपी अभिवृद्धि हार 15 वर्ष से सर्वनिम्न हो। मोदी सरकार को नीति जो चाकरी जीवा समस्या उत्कट हो। केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3.5 लाख लोक चाकरी छटे होती। अन्यान पारंपरिक क्षेत्र में भी चाकरी छटे प्रमुख समस्या बोली मनमोहन कहते। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. अर्थनीतिज्ञ डॉक्टर प्रभास मिश्र आम सहित फोनलाइन अच्छा प्रतिक्रिया देवाई। श्रीजुक्त मिश्र, प्रथम स्वागत करुच्छे आपंक। डॉक्टर मिश्र, जो भाव में बर्तमान जदि कह जे अर्थनीतिज्ञ भाव जनाशुना तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बयान देखते जो स्पष्टीकरण बर्तमान देखते बर्तमान भारतीय अर्थनीति को देखी और सीधासख विमुद्रीकरण को और जीएसटी को यार प्रभाव बोली आपड़ कौन कहे। निश्चित रूपे जो गला पाड़ी जो विमुद्राकरण जीएसटी जोटा ता उपरे अर्थनीति उपरे गोटे नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूपे पड़ा। एवं उदाहरण अच्छी विश्व स्तर में जो 160 कंट्री जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हो प्रथम 4 वर्ष जीडीपी रो ग्रोथ रा निश्चित रूपे कमिबो। आमको आम भारत पे गोटे समस्या है जे जीएसटी उपरे विमुद्राकरणटा होगा, मानने विमुद्राकरण आ जीएसटी दीटा थे इम्प्लीमेंट होगा, तेणु जीडीपी ग्रोथ रा निश्चित रूपे कमुची। एटा प्रथम कथा जोटा मनमोहन सिंह कहते। द्वितीय कथा मनमोहन सिंह कहते जे एम्प्लॉयमेंट ऊपर ज्यादा बा अधिका येटा दिया जाय नै, माने अधिका इम्पोर्टेंस ता दिया जाय नै। एटा भी सत कथा काना बे ग्लोबल स्लोडाउन द्वारा हम कॉर्पोरेट सेक्टर रे उदाहरण स्वरूप 3. अराउंड 3 लाख लोक मोटर व्हीकल सेक्टर से मानकर एम्प्लॉयमेंट पड़ी जाउछ। बा जेमति आपनकर बिस्किट क्षेत्र जेमति जाय 8-10 हजार से डिक्लेअर करछन जे बोल, तेनु एम्प्लॉयमेंट ऊपर निश्चित रूपे गोटे प्रभाव ता पड़ी जोथि पई कि मनमोहन सिंह से कथा कहते जे जीएसटी आउ डिमोनिटाइजेशन से इकोनोमी पर प्रभाव पड़ी। एटा टिके समय नव रिकवरी करिया को इकोनोमी का हमर। आज्ञा डॉक्टर मिश्र, आउ गोटे कथा है जदि कृषि कथा कहिबा शिल्प कथा कहिबा से क्षेत्र में मध्य देखिबा जदि अनेक मात्रा रे आमे क्षति सौचे वर्तमान ह्रास पाई जीडीपी रे हार तो ता से क्षेत्र में किभ आम आग को बढ़ी पारिबा एवं धीरे धीरे स्वाभाविक स्थिति आसी पारिबो कोन कोन पदक्षेप निया दरकार। नहीं, निकट रे निर्मला सीतारमण जहाँ जहाँ पदक्षेप सब नहींक्लेरेसन करे आमको अधिका सहायता हम जो 10% जो टैक्स रेट टा कम कर लोक मान पाखे कि पैसा रोने किणाकिणी जिनस सुविधाटा हम जे लोक आम डिमांड टा बढ़िया दरकार मार्केट पाई। देखो प्रथम कथा है ग्लोबल स्लोडाउन जेहेतु चली से गुड़ा को न्यूट्रलाइज करने अनेक गुड़े पदक्षेप निया दरकार। केवल इंडिया जे इंडिया सफर करा नुहे एटा अंतर्जात स्तर में समस्या पर इंडिया सफर करेणु जो अंतर्जात स्तर में इंडिया सफर समस्या पर इंडिया सफर करेणु अनेक गुड़े पदक्षेप डिक्लेयर कर उदाहरण स्वरूप 70,000 कोटी टंका बैंक को देखते जोटा कि स्मॉल इन एमएसएमई मानक ऋण दिजाव
ତେଣୁ ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଯଦି କନଜମ୍ପସନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମ ଇକୋନୋମିଟା ରିକଭରି ଆମର ହବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ GDP ହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ବି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୁଃସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ।